बहादुराबाद में एक स्कूल में हो रही धोखाधड़ी और अनियमितताओं पर न्यूज 31 उत्तराखंड की ओर से प्रसारित की गई खबर का बड़ा असर हुआ है। मामला सामने आने के बाद राजकीय जूनियर हाई स्कूल हजारा ग्रांट की प्रधानाध्यापिका मंजू रानी को जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है। दरअसल पूरा मामला ब्लॉक बहादुराबाद के हजारा ग्रांट के राजकीय जूनियर हाई स्कूल में चल रहे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है और इसे हमारे चैनल की तरफ से प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसको देखते हुए बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी विद्या शंकर चतुर्वेदी की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाई गई, जिसमें उपखंड शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद मामले की जांच कर रहे थे, जिसके बाद जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई और रिपोर्ट देखने के बाद शिक्षा अधिकारी ने राजकीय जूनियर हाई स्कूल हजारा ग्रांट की प्रधानाचार्य मंजू रानी को दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस बारे में विद्या शंकर चतुर्वेदी जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा हरिद्वार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानाचार्य मंजू रानी के खिलाफ जिस तरह की शिकायत और प्रार्थना पत्र मिले थे, उसमें प्रधानाचार्य मंजू रानी की स्थिति संदेह में घिरी हुई थी, जिसमें आज कार्रवाई की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूल के अध्यक्ष की ओर से सिटकुल थाने में पहले से ही स्कूल की प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। जानकारी के अनुसार स्कूल की प्रधानाचार्य मंजू देवी पर आरोप है कि उनकी ओर से स्कूल के अध्यक्ष से 8,000 के चेक पर साइन कराकर 80,000 रुपए का पेमेंट निकाला गया था। यही नहीं, प्रधानाचार्य प्राथमिक शिक्षा को लेकर भी लापरवाह मिली हैं, जिसके चलते बीते दिनों प्रधानाचार्य स्कूल में ताला डालकर अपनी निजी छुट्टियां मनाने में व्यस्त थी और यहां तक कि स्कूल परिसर की चाबियां अन्य व्यक्ति के पास प्रधानाचार्य की ओर से छोड़ दी गई थी, जिसके चलते पहले भी स्कूल परिसर में चोरियां हो चुकी हैं और इन सभी शिकायतों पर दोषी पाए जाने के बाद अब प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है। उप शिक्षा अधिकारी ने, जांच अधिकारी ने वित्तीय अनियमितता की आशंका व्यक्त की है और ये तथ्य भी प्रमाणित हो रहा है कि पहले 8,000 रुपये ही चेक में भरे गए थे और प्रधानाध्यापक का ये कहना है कि अबरार अली प्रबंधन समिति अध्यक्ष की मौखिक सहमति से ही 8,000 का 80,000 किया गया था और फिर 80,000 का चेक आहरित किया गया था। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।